एक्सपांड बोल के रहे टेक्स्ट बुक में एग्जांपल्स, फर्स्ट एग्जांपल्स 2p + q + 5 होल स्क्वायर, इसको क्या आता है रख दो इधर, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, ए का वैल्यू है, ये बी का वैल्यू है, ये सी का है, वैल्यू रख दो बस। ए स्क्वायर मतलब 2p होल स्क्वायर, 2p होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स क्यू स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर प्लस टाइम्स 2 टाइम्स ए मीन्स 2p एंड बी मीन्स क्यू प्लस ऑफ 2 टाइम्स बी मीन्स 2p बी मीन्स क्यू सॉरी एंड सी मीन्स 5 प्लस ऑफ 2 टाइम्स ए 2p और सी 5 मल्टीप्लिकेशन। ये थोड़ा ध्यान से लिख लीजिए क्या क्या आता है, 2 टाइम्स ab, 2 टाइम्स a × b, 2 टाइम्स bc, 2 टाइम्स bc q 5, 2 टाइम्स ac, 2 टाइम्स ac 2p × 5। ओके अभी 2p होल स्क्वायर, 2² 4 p² एज यूजुअल प्लस q² प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 × 2 = 4 पी क्यू प्लस 2 × 5 = 10 क्यू प्लस 2 × 2 = 4 4 × 5 = 20 पी। ये आंसर है देयर फोर 2p + q + 5 होल स्क्वायर = 4p होल स्क्वायर + q² + 25 + 4pq + 10q + 20p। ये आंसर है। ठीक है दूसरे के एग्जांपल देखेंगे, m + 2n + 3r होल स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा, इसमें देखो a = m b = 2n c = 3r, बस तीनों इसमें रख दो वैल्यू बस, ऐसे करूँ मैं और एक बात m + 2n + 3r होल स्क्वायर m² = m² + 3r² + 2n² = 2n² + 3r² + 2 times a × b m × 2n m × 2n + 2 times b × c 2 times b मतलब 2n और c means 3r + 2 times a × c a means m c means 3r बस m² + 2n² = 4n² + 3 का² 9r² as usual r² + 2 × m × 2n 2 × 2 = 4 m × n m × n + 2 × 2 × 3 2 2 = 4 4 3 = 12 nr + 2 × m × 3r 2 3 = 6 m × r m r। बस ये आंसर है, देखो एक बार चेक करो। ठीक है देयरफॉर लास्ट स्टेप लिखो 2n + 3r
होल स्क्वायर इक्वल्स एम स्क्वायर प्लस 4n होल स्क्वायर प्लस 9r स्क्वायर प्लस 4mn प्लस 12nr प्लस 6mr ये आंसर है। नेक्स्ट वन देखेंगे, ये निकाल देंगे 3x प्लस 4y माइनस 5p होल स्क्वायर, इसका क्या आ जाएगा? देखो माइनस आया ना वैल्यू, थोड़ा ध्यान से, प्लस 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 करके सब प्लस प्लस ही रहेगा, लेकिन बीच में अगर माइनस आया तो साइन माइनस आया तो थोड़ा ध्यान से करने का। इसमें अभी ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? ए इक्वल्स 3x हो जाएगा, बी का वैल्यू 4y हो जाएगा और सी इक्वल्स माइनस 5p हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से रखो इसलिए बोल रहा हूँ, सी जिधर भी आए माइनस 5p रखने का, बी किधर भी जो जिधर भी आएगा 4y, ए किधर भी आएगा 3x, यानी दोनों प्लस में आ जाएगा लेकिन सी का वैल्यू माइनस 5p है, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू रखेंगे इसमें, हाँ से करेंगे 3x होल स्क्वायर प्लस 4y होल स्क्वायर, फर्स्ट वन का स्क्वायर, सेकंड वन का स्क्वायर प्लस थर्ड वन का स्क्वायर प्लस करके माइनस 5p होल स्क्वायर। फर्स्ट वन का स्क्वायर, सेकंड वन का स्क्वायर, थर्ड वन का स्क्वायर, ए स्क्वायर इधर रख दिया, बी स्क्वायर इधर रख दिया, प्लस सी स्क्वायर इधर रख दिया। ठीक है, ठीक है, सी स्क्वायर का वैल्यू माइनस 5p है इसलिए माइनस 5p होल स्क्वायर हो गया, प्लस 2 टाइम्स ए इंटू बी है, ए का वैल्यू 3x है इंटू 3x रख दो और बी का वैल्यू 4y है, 4y रख दो, ए एक हो गया, प्लस प्लस से एज़ यूज़ुअल रख दो 2 इंटू बी सी, 2 टाइम्स बी मतलब 4y इंटू सी मतलब माइनस 5p, माइनस 5p ये ब्रैकेट में रख दो। यानी मल्टीप्लिकेशन करने के टाइम में साइन चेंज हो जाएगा इधर का, इसलिए ब्रैकेट में रख दो, एक हो गया, बचे क्या है 2ac बचा, प्लस टाइम्स 2 टाइम्स ए मतलब क्या है 4y, सॉरी 4y नहीं, ये मतलब 3x है एंड सी इज माइनस 5p ब्रैकेट है। ठीक है, ऐसा तीनों का अलग अलग कर लिया, ये 2ab का है, ये 2ab का है, ये 2bc का है और ये 2ac का है। ठीक है, और इधर देखो 3x होल स्क्वायर, यानी 3 स्क्वायर मतलब 9x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज 16 वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 5 माइनस 5 इंटू माइनस 5 प्लस ही हो जाएगा, इसलिए इसका 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर 25 हो जाएगा, पी स्क्वायर एज यूजल माइनस 5 स्क्वायर इज 25 प्लस 25। देखो इसे माइनस 5p इंटू माइनस 5p इक्वल्स माइनस इंटू माइनस प्लस 5 इंटू 5 25p इंटू पी स्क्वायर। ठीक, 25 इधर क्या आ जाएगा? प्लस ऑफ 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 3 जार 6, 6 4 जार 24xy। ठीक है, इधर क्या आएगा? इधर प्लस है लेकिन इधर माइनस है, 2 प्लस इंटू माइनस, यानी इधर माइनस आ जाएगा, 2 4 जार 8, 8 5 जार 40 yp। ठीक है, इधर ये बच गया, इधर क्या है? प्लस है इधर माइनस है, तो ये भी माइनस आएगा, 2 3 जार 6, 6 5 जार 30 2 टाइम्स क्या आया, 2 इंटू 3x इंटू 3x है ना, इंटू
एसी मतलब माइनस फाइव पी, माइनस टू इंटू थ्री सिक्स, सिक्स फाइव जार थर्टी, माइनस थर्टी एक्स इंटू पी एक्स पी हो गया, यही आंसर। देयरफॉर थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस फाइव पी होल स्क्वायर इक्वल्स नाइन एक्स स्क्वायर प्लस टाइम सिक्सटीन वाई स्क्वायर प्लस ऑफ ट्वेंटी फाइव पी स्क्वायर प्लस ऑफ ट्वेंटी फोर एक्स वाई माइनस फोर्टी पी वाई, नहीं तो वाई पी माइनस थर्टी एक्स पी आर पी एक्स, क्या भी रख लो चलेगा। नाइन एक्स स्क्वायर सिक्सटीन वाई स्क्वायर ट्वेंटी फाइव पी स्क्वायर ट्वेंटी फोर एक्स वाई माइनस फोर्टी वाई पी माइनस थर्टी एक्स पी, राइट ओके, ये आंसर है।